बिहार में एक और पुल हादसा हुआ है। बकौर से भेजा को जोड़ने वाली जो पुल है कोसी नदी के ऊपर, उस पुल का एक हिस्सा गिरा है। करीब 1200 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट बताया गया है और इसका निर्माण जो है वो जो लोकल एसपी हैं उनके मुताबिक ट्रांसरेल और गेमोन दो कंपनियां मिलकर के कर रही थी। और यहाँ पर जो हिस्सा आप देख रहे हैं कि यही हिस्सा गिरा है जिसमें एक व्यक्ति की अब तक जो सूचना मिली है उसकी डेथ हुई है, मौत हुई है। इसके अलावा 10 जो कर्मचारी हैं कंपनी के वो घायल हुए हैं। स्थानीय जो एसपी हैं सुपौल के, उन्होंने बीबीसी को बताया है कि यहाँ पर जो है रात में 16 लोग नाइट ड्यूटी पर थे। नाइट ड्यूटी के दौरान जो 16 लोग थे उनमें से 5 लोग कैंप में थे जबकि बाकी यहाँ साइट पर थे, काम कर रहे थे। और उनमें से 10 लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और एक घायल है। यानी कि इसके अलावा और कोई सूचना नहीं है कि इस तरह की गाड़ी में या जो ये स्पैन गिरा हुआ है इसके नीचे कोई दबा हो। अभी तक जो है आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग ग्रामीण यहाँ पर सुबह पहुँचे जब ये 7 बजे के करीब घटना हुई, ज़ोरदार आवाज़ आई, उसके बाद आसपास के कई सारे लोग यहाँ पहुँच गए। हालांकि लोगों की आशंका यह है कि कुछ और भी यहाँ पर काम करने वाले लोग जो हैं वो नीचे दबे हो सकते हैं। लेकिन कंपनी की तरफ से हमने बात करने की कोशिश की, यहाँ पर कई लोग भी कंपनी के मौजूद हैं, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है। स्थानीय प्रशासन का, पुलिस का ये कहना है कि कंपनी ने अपनी तरफ से टीम बनाई, वो टीम जांच करेगी कि ये घटना क्यों हुई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से घटना हुई है ये काफ़ी खतरनाक हो सकता था। हालांकि सुबह का वक्त था तो ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं थे। सामने आप देख रहे हैं कि ये कोसी नदी है, इस इलाके को जोड़ने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये बनाया गया है ताकि मधुबनी और सुपौल जो दो बिहार के बड़े ज़िले हैं उनके बीच में इस इलाके में दूरी को कम किया जा सके। करीब बता रहे हैं कि 30 किलोमीटर की दूरी जो है वो कम हो जाएगी इस पुल के बनने के बाद, और इस पुल की लंबाई जो है वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा बताई गई है। और ये बन जाने से इलाके के लोगों को काफ़ी सुविधा होगी, इसलिए इसका काम जो है ये चल रहा था। बिहार दिवस है अगर बात करें शुक्रवार की, तो बिहार दिवस के दिन एक और घटना बिहार में हुई है, एक पुल हादसा हुआ। इससे पहले हमने देखा है कि बिहार के कई इलाकों में, चाहे वो भागलपुर हो, बेगूसराय हो, पूर्णिया हो, तमाम इलाकों में इस तरह के पुल के छोटे बड़े हादसे होते रहे हैं, जिसको लेकर के बार बार सतर्कता और एक तरह के दावे जो है वो किए जाते हैं कि इस पर ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। साइट पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की है कि ये क्या तकनीकी फेल्योर है, टेक्निकल फेल्योर है, या फिर ये जो है किसी तरह की अनदेखी हुई है, लापरवाही की वजह से हुई है। कुछ भी बात करने को फिलहाल कंपनी के लोग तैयार नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और वो देख रहे हैं कि जो घटना हुई है, चूंकि उनके लिए बड़ा प्रोजेक्ट है, एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट है इलाके के लिए, इसलिए लोगों को लगता है कि ये ब्रिज जो हादसा हुआ है इसका एक हिस्सा टूट कर गिरा है, इससे कहीं इसका काम जो है वो प्रभावित ना हो, रुक ना जाए। कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि जो चश्मदीद रहे हैं, जिन लोगों ने देखा है ये हादसा होते हुए, उनको सबसे पहले क्या नजर आया और किस तरह से ये घटना हुई है। आवाज इतना कस के करा, पूरे आंगन सब गलत गया, लगता हेल इतना कस के आवाज किया, तो वहाँ से सब पब गोदा बंदा हो गया, पिलर ऐसे ऐसे हो गया, दुर्घटना से सब हम लोग गाड़ी दौड़ के आए आए तो देखे तो कुछ बंदा पलट पर लटका हुआ था, कोई उधर से आने बेहोश था, मेरे पास वीडियो भी है, वो सब का मुँह फटा हुआ था, तो उसको हम लोग अपना गाड़ी से उठा के उसको हम ले आके ये सामने रखा हूँ यहाँ पे, एम्बुलेंस वहाँ पे एम्बुलेंस आया, कुछ टेम्पू उन्टू था लोकल गाड़ी, वहाँ पे हम ला के रखे, वहाँ पे दिए। उस टाइम 12 आदमी आने बुझे, उसमें सांप दो तो मेरे सामने चला गया, एकाएक जैसे उसको हाथ से किया ख़त्म हो गया, और बाकी 3 दो छा उसका दम आ जा रहा था, समझ गए ना, उसको कोई पानी देने वाला नहीं था। जब हम लोग आए ना, ये आए एक भी काम जो करता है जो सुपरवाइजर वर्कर कोई भी यहाँ पे नज़र नहीं था, वो लोग जान मुझे जा रहा, हम लोग आए तो उठा पुटा के गाड़ी पर लौट करके अपना ले गए। 13 किलोमीटर लंबा पुल है ये, तब से काम हो रहा है इसका? इसका तो हो गया तकरीबन 4-5 साल हो गया पुल का काम चलते चलते। अच्छा, इससे कहाँ फायदा किसको होगा, कितना फायदा होगा? फायदा तो इस लोकल जब होगा तब ना, अभी तो फिलहाल नुकसान ही नुकसान है। अच्छा, नुकसान के अलावा क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान हुआ जैसे ये गिरा, इसके अलावा जो बंदा मर गया अब उसको क्या मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला है? कोई देगा सरकार जो हम भर जिंदगी तेरे बच्चों का मैं लेखा जोखा लेकर रखता हूँ, मर गया हमारे नाकामी के वजह से तू मर गया, तेरे बच्चों का मैं लेखा जोखा रखता हूँ, कौन रखेगा? ये सुबह में ये इंजीनियर सब का कमी के कारण हादसा हुआ है, इस सब में बड़ा घोटाला हम लोग जान रहे हैं शुरू से कि हो रहा है, फिर भी प्रशासन यहाँ का और विभागीय स्तर पर जो है ना घोटाला करने के चक्कर में जो है पब्लिक का जान जा रहा है। नहीं, घोटाले का आरोप आप कैसे लगा रहे हैं, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन? इसलिए लगा रहे हैं
कि जब जहाँ देखते हैं कहीं से किधर किधरों का निर्माण कर देता है, यहाँ पता लगता है लेबर सब बोलता है कि यहाँ 16 mm का सरिया चाहिए जहाँ कि 4 mm का सरिया बना है। यहाँ रोज कमाता है, रोज खाता है लोग मजदूरी करके, और उसके बाद जो है इतने बड़े पुल का जो कहता है कि एशिया में सबसे बड़ा पुल, कहाँ से हम लोगों को उसको गौरवान्वित होना चाहिए। अब ये है कि मतलब जैसे कहते कहते अब ये आंसू आ रहा है आँख से, कि गरीब आदमी पर प्राण जाते हैं वहाँ भी जान गंवाते हैं, अपने राज्य में भी यही हाल है।